फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक इंडस्ट्रियल स्किल्स के बारे में, नया टॉपिक है ये, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और सभी को ये वीडियो देखना चाहिए, चाहे इंडस्ट्री लाइन में हो कोई, चाहे सोशल लाइफ में हो कोई, क्योंकि स्किल्स जो हैं हमारी हर जगह काम आती हैं। चाहे भी सोशल लाइफ में कोई काम करने की हमारी एक्सपर्टाइज है, चाहे इंडस्ट्री में कोई काम करने की एक्सपर्टाइज है, उसको हम स्किल्स कहते हैं। और इन स्किल्स के द्वारा हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंडस्ट्री कोई भी हो, छोटी इंडस्ट्री अगर यूज करती हैं इन कॉन्सेप्ट को, इन इंडस्ट्रियल स्किल को, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ के लाइन में आ जाएंगी और ग्रोथ कर जाएंगी। अगर कोई इन पर ध्यान नहीं देगा और इन कॉन्सेप्ट को अपने इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। जो भी बड़ी इंडस्ट्री, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं आजकल कॉम्पिटिटिव समय में, वो सब इन कॉन्सेप्ट का, इन स्किल का इस्तेमाल करते हैं, तभी वो ग्रोथ कर पाए हैं। और धीरे धीरे ये कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्रियल स्किल्स का यूज करके हम अपने कार्य को निखार सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अच्छे से अच्छा क्वालिटी हमें अगर करना है तो हमें इनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वर्किंग कल्चर को सुधारने के लिए इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल स्किल्स कितनी होती हैं? बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्किल्स हैं, जिनमें से मुख्य मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तीसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, चौथा है काइजन, पांचवा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फिर सेफ्टी भी है, ISO है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये इंडस्ट्रियल स्किल का बीच बीच में अपने सेमिनार बुला करके अपने डाउन लेवल के वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देना चाहिए। बीच बीच में किसी टॉपिक के एक्सपर्ट को बुला करके ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए और बीच बीच में बैठ करके उनके साथ में इसके विषय में बातचीत करना चाहिए कि हमें इंडस्ट्रियल स्किल को फॉलो करना पड़ेगा। सेफ्टी है, सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग भी होना चाहिए और उनके सेफ्टी मीटिंग्स भी ली जानी चाहिए, जिससे कि उनके दिमाग में उसके अकॉर्डिंगली काम करने का जुनून पैदा हो जाए और धीरे धीरे हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ की लाइन में ले जाएंगे। अब जैसे काइजन है, काइजन इंडस्ट्रियल स्किल्स का एक भाग है। काइजन में क्या है, हम ये अपने इनहाउस मीटिंग्स बुला करके क्या करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। काइजन प्रोसेस डेवलपमेंट है, बहुत सारे सजेशंस लेने चाहिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ से और छोटी छोटी टीम बना करके वो टॉपिक जो जिस पे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है उस पे काम करना चाहिए। जब हमारा प्रोसेस डेवलपमेंट होगा, जो सिस्टम में डेवलपमेंट होगा, तो क्वालिटी डेवलपमेंट होगा। जब क्वालिटी डेवलपमेंट होगा तो हमारा मार्केट में नाम होगा, हमारे प्रोडक्ट का नाम होगा, इंडस्ट्री का नाम होगा। जब इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी तो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिटेड भी कर सकती है और अच्छा वेलफेयर करेगी और एम्प्लॉयज़ की सुविधाओं का ध्यान रखेगी। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करती है तो उसमें काम करने वाले लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है और कंपनी भी ग्रोथ नहीं कर पाती है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंडस्ट्री लाइन के लोगों, इंडस्ट्री लाइन में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी, लाइफ में जो काम कर अपनी सोशल लाइफ में, सोसाइटी में भी, जो स्किल्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।